मल्हारगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद का इन गांव में रहेगा जनसंपर्क एवं चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग से वितरित होते ही जनसंपर्क में सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं। उसी को लेकर के निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा भी तैयारियां जोर शोर पर चल रही है, जहां पर आज 6 नवंबर 2023 को सोमवार को जनसंपर्क कार्यक्रम निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद का मल्हारगढ़ विधानसभा 225 से इस प्रकार इन गांवों में रहेगा। आपको बताते चले कि सुबह 7:40 पर खालिया खेड़ी में, वह 8 बजे रूपी में, सुबह 8:30 पर सोनी में, सुबह 9 बजे जैतपुरा में, सुबह 9:30 पर अमरपुरा में, प्रातः 10 बजे भेसा खेड़ा में, प्रातः 11 बजे जोगनी में, प्रातः 11:30 पर काचरिया 2 में व दोपहर 12 बजे सेलावरी में, दोपहर 12:30 पर कुम्हारी में, दोपहर 1 बजे मौलिया खेड़ी में, दोपहर 1:30 पर मुंडली में, दोपहर 2 बजे चंगेरी में, दोपहर 2:30 पर भगवानपुरा पर व दोपहर 3 बजे चंदवासा में, दोपहर 3:30 पर खेरखेड़ा में, दोपहर 4 बजे अरनिया देव में, दोपहर 4:30 पर पिपलिया विशनिया में, साय 5:30 पर लसूड़िया कदमाला, साय 6 बजे बरखेड़ा देव डुंगरी में, साय 6:30 पर काचरिया देव में, साय 7 बजे मनासा खुर्द में, रात्रि 8 बजे बाकरोल में, रात्रि 8:30 पर पावा खेड़ा में इत्यादि गांव में आज 6 नवंबर 2023 को जनसंपर्क कार्यक्रम श्यामलाल जोगचंद प्रत्याशी मल्हारगढ़ विधानसभा 225 से आशीर्वाद लेने के लिए रहेगा। इन सभी गांवों में जाकर प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद ग्रामीणों से जनसंपर्क कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।